नमस्कार, इनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है सिलवासा से। संविधान गौरव समिति द्वारा सिलवासा चार रास्ते पर धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दादरा नगर हवेली सिलवासा चार रास्ता पर आज सुबह से संविधान गौरव समिति के कुछ लोग बेमुदत धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरना पर बैठे कुछ लोगों ने बताया कि हम लोगों ने पिछले एक साल पहले अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिए थे, अभी तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर आज हम यहां पर धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान धरने पर बैठे कुछ लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने डीएनएच लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। आज संपूर्ण वापी दमन सिलवासा की सभी अम्बेडकरी समाज की ओर से तो कलेक्टर जी को निवेदन दिया गया था एक साल पहले। उसके मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पूर्ण प्रतिमा सिलवासा चार रास्ता तथा शिवाजी चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्ण प्रतिमा लगाने हेतु तथा दादरा नगर हवेली में अम्बेडकर भवन का निर्माण होना चाहिए, कराड़ कॉलेज को पूर्ण रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज के नाम से वो पूरा नाम लिखा जाए तथा सभी सरकारी तथा प्राइवेट ऑफिस कार्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, ये हेतु यहाँ पे सभी अम्बेडकरी समाज की ओर से आंदोलन किया जा रहा है और सरकार से मांग है, क्योंकि बहुत हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल विस्तार होने के बाद भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक पूर्ण रूप से नाम नहीं दिया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा नहीं लगाई जाती है, बाबा साहब का संविधान का पूर्ण रूप से अवलंबन नहीं किया जाता है। यही मांग के ओर से पूरे वापी दमन सिलवासा के ओर से पूरे अम्बेडकरी समाज के ओर से यहाँ पे एक धरना आंदोलन किया जा रहा है और हमारी यही मांग है कि जो हम लोगों ने लिखित में जो मांगे दी है वो हमारी मांगे पूर्ण होनी चाहिए, यही आज के दिन का हमारा धरना आंदोलन का उद्देश्य है। किसको लिखित में आपने दिए थे? कलेक्टर जी को लिखित दिया। क्या आश्वासन आपको मिला था उसका? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, अभी थोड़ी देर पहले मामलेदार जी आए थे, उन्होंने मौखिक में चर्चा करके गए, अभी बोल रहे हैं कि आज कुछ बातें कलेक्टर जी से बात करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो उस पर आपने क्या निर्णय लिया, क्या मामला? हम लोग को लिखित में उसका चाहिए कि अब वो कब तक ये हमारी मांगे पूरी की जाए।